हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ डॉक्टर संशय आप सभी का स्वागत है सो so, हम कर अपनी सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस यूपीएससी प्रीलिम्स और वहां से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अभी तक हमने टू से नाइनटीन तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं दिस इज टू एंड दिस इज पार्ट फोर इससे पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री डिस्कस कर लिया है प्लीज आप चैनल पे जा सकते हैं और वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी सो दैट यू कैन हैव ऑल द वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल दैट इज प्रिंसिविल सर्विसेज तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेरी फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी अरबिन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी so और आपके जो वॉयस रहे अरविंद हैं उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था दैट इज नोन एज गांधी अरविंद पैक्ट पैक्ट और pact, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आर टीसी दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका एक कंडीशन रखा गया था इन दिस पैक्ट सेकेंड स मूवमेंट सिविल मूवमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपका ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट किया गया था उसको विद्रॉ करने के लिए बात की गई थर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इन टू पुलिस एक्सेसिस पुलिस ने जो एक्सेस फोर्स यूज किया उसमें आपका इंक्वायरी होना चाहिए गांधी जी का सजेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था फोर्थ रिलेज ऑफ ओनली दोनर नॉट चार्ज विद वायलेंस और उन प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा जिन जिनका वायलेंस uh, में इन्वॉल्वमेंट नहीं था ये पूछा गया है कौन सी कंडीशन आपका गांधी अर्बन पैक्ट में इंक्लूड किया गया था सो द द राइट आंसर इज इज एंड ओनली थर्ड स्टेटमेंट नॉट राइट सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है अगर आप गांधी अर्बन पैक्ट या डेली पैक्ट को अच्छे से पढ़ें उसकी जो कंडीशंस हैं उसमें आपका वायसराय ने कांग्रेस uh, को इनवाइट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और यहाँ पे उन्होंने बोला कि कंडीशन रखी थी कि जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट है उसको वापस ले लेना पड़ेगा आपका कांग्रेस को तो आपका स्टेटमेंट नंबर टू भी राइट है स्टेटमेंट नंबर थ्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं था जहां पे गांधी जी ने सजेस्ट किया कि आपका जो पुलिस एक्सेस या पुलिस यूज ऑफ फोर्स किया है पुलिस ने वो इंक्वायरी में होना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं था so तो दैट इज़ रिलीज करना पड़ेगा तो ये कुछ आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था दैट इज नोन एज गांधी अरविंद पैक्ट और योर डेली पैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन बुक्स के रिगार्डिंग है क्वेश्चन विद रेफरेंस टू बुक देशर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश बुक का नाम है ये राइटर का नाम है जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लिखी गई थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हाइपनोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ सब स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स द यूज ऑफ देश बाय दियोस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बेंगाल क्या ये जो देश टर्म यूज की गई है ये सिर्फ आपका बंगाल से ही संबंधित था या पूरे इंडिया से संबंधित था सो so आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सो so यहाँ पे राइट right आंसर इसका है थोड़ा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं मिलता ये इंटरनेट पे भी बहुत कम जानकारी है इस बुक के बारे में सो इट इज अ टफ क्वेश्चन सो नाउ द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज बींग यू नो

देश यहां पे पूरे आपका इंडिया के रिगार्डिंग भारत के रिगार्डिंग यूज किया गया था सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली नेक्स्ट फिर से आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन द वाइटल द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश बाय एक आपका जर्नल का नाम दिया गया है जो कि आपका टू हैव द अनटचेबल पीपल जिसका फोकस था तो uh, आपका टारगेट ऑडियंस था तो किसने पब्लिश किया था यहां पे आपके ऑप्शन है गोपाल बाबा ज्योतिबा फुले मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी जी के रिगार्डिंग और भीमराव अंबेडकर जी के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्या बुक्स लिखी कौन सा जर्नल पब्लिश किया कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया किस जर्नल के साथ एसोसिएटेड थे तो यहाँ पे हमें पता है कि ये तीनों आपका इस जर्नल के साथ नहीं एसोसिएटेड थे तो यहाँ पे आंसर बचता है गोपाल बाबा वलमगढ़ ये एसोसिएटेड थे इस जर्नल के साथ जिसका फोकस जिसका टारगेट ऑडियंस था अनटचेबल पीपल सो दैट वाज द क्वेश्चन इन 2020 क्वेश्चन नंबर 19 इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी बिकॉज ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन नील जो आप उसकी खेती थी वो आपका डिक्लाइन क्यों करता है 20th सेंचुरी में क्या रीजन है उसका फर्स्ट पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स इट्स अनप्रोफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट अब उसका जो खेती करना था वो इतना प्रॉफिटेबल रहा ही नहीं नेशनल लीडर्सOpposition टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स अब यहां पे अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो देखिए अगर फर्स्ट रीजन को देखा जाए पीजेंट रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव ऑफ प्लांटर्स देखिए यहां पे पीजेंट्स तो आपका हमेशा से ही अपोजिशन कर रहे थे रेजिस्टेंस कर रहे थे बट इसका फर्क प्लांटर्स पे नहीं पड़ता था तो यहाँ पे इंडिगो कल्टिवेशन का डिक्लाइन होने का रीजन नहीं है हाँ अगर जो सही रीजन है इस चारों में से वो है आपका इट्स अनप्रोफिटेबिलिटी देखिए आपका नए नए इन्वेंशन आ गए थे सिंथेटिक डाइज आ गई थी तो जो इंडिगो आपका नेचुरल था अब उसके ऑल्टरनेटिव आ गए थे विच वर इजी टू प्रोड्यूस प्लस आपका सस्ते पड़ते थे तो यहां पे अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो ऑब्वियसली आप इंडिगो कल्टीवेशन को आप इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे तो इसके चलते आपका वर्ल्ड लेवल इंडिया में है जो आपका इंडिगो कल्टीवेशन का प्रोडक्शन आपका कम हो गया था तीसरे की बात करता हूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऑपोजिशन था कल्टीवेशन का लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था प्लांटर्स जो गवर्नमेंट थे वो आपका प्रमोट कर ही रहे थे और प्लांटर्स और गवर्नमेंट का तो यहाँ पे साठ गाट था उसका कोई फर्क नहीं पड़ा तो बेसिकली सिंथेटिक डाई यानी कि न्यू इन्वेंशन के होने से आपका इसका जो कल्टिवेशन है वो कम हो गया था दैट इज द राइट आंसर तो ये थे आपके टू के क्वेश्चन हमने चार पार्ट्स में डिस्कस किया

के साथ कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन होती है जैसे अगर आप किंग अशोक का नाम ले तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं तो आपको पता होना चाहिए ये इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर के साथ एसोसिएटेड है फिर तो उसके बाद हिस्टोरिकल स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल में आपका जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके साथ साथ पोर्ट टाउन एंड मेडिवल में जो भी पोर्ट टाउन थे किस रूलर के किस डायनेस्टी के अंडर आते थे वहां से कौन सी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी उसके बाद अगर हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो ये इवेंट पहले हुआ उसके बाद कौन सा एन एंड में कौन सा फिर आपके बाद फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए बुक्स का नाम दिया गया किसके साथ रिलेटेड है और इसका राइटर कौन है सिमिलरली जर्नल्स फिर हमने देखा पीजेंट मूवमेंट जो भी था चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट है पीजेंट मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा लीडर वाई वट वॉज द रीजन स्पेसिफिक फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी क्या होता है उसके बाद हमने देखा गांधीज्म वर्सेस मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन आया क्या सिमिलैरिटी है टर्मिनोलॉजी में उलगुलन क्या है आपका फिर हमने देखा गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयस आपकी लंबी चौड़ी लिस्ट है गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयस की उनके टर्म में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो वो आपको डिस्कस करना है फेमस केसेस बहुत सारे केसेस हुए हैं चाहे वो आपका रेवोल्यूशनरी लीडर्स के साथ चाहे वो वुमेन के साथ हुआ हो वो आपको पढ़ना है देन एक चैप्टर है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया चाहे वो पीजेंस हैं चाहे वो आर्टिस हैं चाहे वो कॉमन मैन हैं हर किसी के ऊपर आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको डिस्कस करना है उसके साथ हमने डिस्कस किया गांधी अरविंद पैक्ट तो ये था आपका 2020 का पेपर उस पर पे हमने डिस्कस किए सारे क्वेश्चन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पोर्शन से सो आई होप यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियोज अगर नहीं देखा है तो प्लीज यू कैन वॉच द वीडियोज ऑन द चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक ऑल्सो सो दैट्स इट थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दीडियोज थैंक यू